हेलो एवरीवन, और स्वागत है सभी का लाइटल स्टेपर नए ब्लॉग में। और जैसा कि अभी कुछ ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम लोग अभी आए हुए हैं बेंगलुरु में, और यहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं होटल हयात सेंट्रिक में, जिसका आप लोग ये पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग काफी है उसका, तो थोड़ा सा आप लोग को ऊपर तक तो दिखा नहीं पाएंगे, बट खैर अभी हम लोग चलते हैं अंदर। आप लोग को अंदर से पूरा इसका व्यू दिखाते हैं, हम लोग का रूम जो है वो दिखाएंगे, और यहाँ का पूरा डाइनिंग एरिया कैसा है, और यहाँ क्या क्या और फीचर है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सारे सब चीज आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब डाटा निवेश कर, और ये ब्लॉक को यहाँ पर शुरू कर। तो वेलकम बैक एवरीवन। सो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है होटल हयात सेंट्रिक का मेन लॉबी एरिया, या फिर रिसेप्शन एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस साइड में जो है आपका चेक इन का एरिया है, यहाँ से चेक इन हम लोग किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं एलसीडी वगैरह काफी सारा है। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स का और कोल्ड ड्रिंक्स का ये सब का स्टॉल है। तो ये है यहाँ का पूरा लॉबी एरिया, यहाँ पर से हम लोग ने चेक इन कराया था। और हम लोग का जो रूम है वो है रूम नंबर 414। तो अभी चलिए आप लोग को इधर से, आपको ये जो है लिफ्ट एरिया है, यहाँ से आपको हम लोग चलते हैं, आपको रूम नंबर दिखाते हैं रूम नंबर 411 को। और सर देख चलेंगे हम लोग लंच करने, डिनर करने, तो आप लोग को वहाँ का डिनर एरिया दिखाते हैं कि कैसा है, यहाँ का डाइनिंग एरिया। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं अपना रूम। हम लोग का जो रूम है, और हम लोग ने जो अपना रूम है वो थोड़ा चेंज किया था, हम लोग का रूम है 414। तो ये रहा 414, और उसके लिए तो है हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे ये वाईफाई चलता है, तो इसलिए हम लोग को और फिर तो ओपन करके देख सकते। तो ये है हम लोग का शानदार लग्जीरियस रूम, ये है इसका बाथरूम का एरिया, ये देख सकते हैं आप, पूरा काफी सुंदर है, काफी अच्छा डेकोरेट किया। और ये है इसका स्लाइडर, इससे यह बाथरूम लॉक हो जाता है। और इधर इस साइड में आपका ये पूरा मिरर है जो कि हाइड हो जाता है इसका डोर से। और बाकी ये आपका यहाँ पर छोटा सा ये मिनी फ्रिज दिया हुआ है। अभी तो ऐसे ये रूम जो है मिनी फ्रिज है एम्प्टी, और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी के लिए भी दिए हुए हैं, कॉफ़ी और टी बनाने के लिए है। और यहाँ पर बड़ा सा टीवी है, रैंक इतना इंच का है। और ये यहाँ पर एक डेस्क है, और यहाँ पे ये बेड दिया हुआ है बड़ा सा, क्वीन साइज बेड है कह सकते हैं इसको। और साइड में ये टेलीफोन, और वो यहाँ पर क्लॉक दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखते हैं बाकी कुछ, बाकी सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर लाइटनिंग दी हुई है साइड में, यहाँ पर आपका ये बैठ कर कुछ भी बनाने के लिए है। और यहाँ से जो है बाहर का व्यू जो है थोड़ा सा, ऐसे तो बाहर कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए, बाहर का व्यू तो कुछ है नहीं। तो यही है हम लोग का छोटा सा रूम। अब चलिए हम लोग आप लोग चलते हैं यहाँ पर से, और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का जो खाने का एरिया है, वो जहाँ पर डाइनिंग एरिया है वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का डाइनिंग एरिया। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ पर है डाइनिंग एरिया। और ये देख सकते हैं यहाँ का साइड जो है आपका किचन का व्यू है, और इधर आपका पूरा जो है आपको डाइनिंग जो है यहाँ पर आपको खाने का पूरा इंतजाम किया जाता है। यहाँ पूरा आपको जो है बुफे सिस्टम मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर खाने का भी, यहाँ पर आइसक्रीम रखे हुए हैं, यहाँ पर स्वीट्स है, और ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये एरिया इसका एक छोटा सा बालकनी टाइप का एरिया, जिधर एक साइड जो आपको स्विमिंग पूल दिखाया था वो एरिया है, इधर एक छोटा सा मिनी रेस्टोरेंट टाइप का मिनी डाइनिंग एरिया है। तो ये दोनों एरिया, ये भी स्विमिंग पूल एरिया है, तो ये दोनों एरिया हो गया। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ का प्राइजेस का बात करूँ, तो यहाँ जो पर नाइट का चार्जेस है वो है 9,000 पर नाइट प्लस टैक्सेस, जो कि बेस टैरिफ है। इसमें आपको फूड इंक्लूड है रहता है, फूड इंक्लूड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, फिर उसके बाद आपका लंच इंक्लूडेड रहता है वन नाइट का। और इसके बाद आप जितना हाई जा सकते जाइएगा उतना आपका प्राइस और रूम का फैसिलिटीज एमिनिटीज और रूम का साइज भी बढ़ेगा।
तो जो हम लोग का रूम है वो हम लोग का बेस फेयर के अंदर आया था। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं वापस से अपने रूम में, और फिर मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का पूरा ये होटल का स्टे का। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं अपने रूम में, और ये देख सकते हैं हम लोग का रूम अभी बिल्कुल साफ है। हम लोग जस्ट अभी डिनर करके आए हैं। तो आप लोग को ये हम लोग का होटल का टूर और रूम का टूर कैसा लगा कमेंट्स जरूर बताइए। अगर मेरा एक्सपीरियंस से बात करें तो अभी हम लोग का रूम जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो बेड्स भी हैं वो हम लोग बेड पर बैठे थे, थोड़ा रेस्ट किए थे, बेड्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थे, और फूड जो है फूड भी काफ़ी डिलीशियस था, स्पेशली वेज फूड्स, वेज जो फूड है वो काफ़ी टेस्टी था। ज़्यादातर मैं जब भी जो भी मैं इवेंट्स में गया हूँ तो वहाँ जो वेज फूड्स रहता है वो उतना कुछ खास नहीं आता, बट यहाँ का काफ़ी टेस्टी था। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस हो, क्या चार्जेस है वो मैं आप लोग को यहाँ पर कमेंट्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या 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 चार्जेस है। और उसी के साथ जो है मैं ये आज का ये व्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नए लोकेशंस नए जर्नीज पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।